प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम अध्याय 19 के अंतर्गत विपणन मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, विपणन जो है वो क्या है, उपभोक्ता मूलक हो गया है, अर्थात जो भी उत्पादन किया जाता है वो उपभोक्ता की रुचि, उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो उत्पादक जो है वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें बाजार में बेचा जा सके। तो बाजार में उन्हीं वस्तुओं को बेचा जा सकता है जिसकी डिमांड, मांग जो है उपभोक्ता द्वारा लगातार की जाए। अब यहाँ विपणन का जो अर्थ है, उन समस्त व्यवसायिक क्रियाओं का निष्पादन से है जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता की ओर निर्देशित करते हैं। अब यहाँ विपणन जो अपनी भूमिका निभाता है, उत्पादक के द्वारा जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, उन वस्तुओं को उत्पादक तक पहुंचाने के बीच में जो भी सेवा का जो प्रवाह है वो उसको निर्देशित करता है, उसको बताता है किस प्रकार से उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएं जो हैं पहुंचेंगी। यहाँ पर जो विपणन मिश्र से जो आशा है, मार्केटिंग मिक्स जिसको हम कहेंगे, विपणन मिश्र जो है बाजार तंत्र के चरों के संतुलित मिश्रण की योजना होती है। इसका उद्देश्य जो है उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करना है। विपणन मिश्र के चार आधारभूत तत्व हैं जिन्हें हम 4 PS के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 PS क्या हैं? नंबर 1 उत्पाद, नंबर 2 मूल्य, नंबर 3 स्थान और नंबर 4 संवर्धन या प्रवर्तन से है। ये 4 PS कहलाते हैं विपणन मिश्र के अंतर्गत, अर्थात उत्पाद। उत्पाद किस प्रकार का हो कि जो उपभोक्ता की आवश्यकता, उसकी रुचि, उसकी इच्छा के अनुसार हो। मूल्य, प्रत्येक उपभोक्ता जो है अपनी चुकाए गए मूल्य के बराबर वस्तु या सेवा की उपयोगिता चाहता है। तो मूल्य क्या हो? स्थान, स्थान से तात्पर्य यहां पर वस्तु की उपलब्धता कहां से हो सकती है। फिर संवर्धन या प्रवर्तन। तो ये 4 PS के नाम से जो जाने जाते हैं, जो कि विपणन मिश्र के अंतर्गत आते हैं। कोटलर ने परिभाषा दी है, विपणन जो है मिश्र का संबंध विपणन प्रयासों के एकीकरण, वितरण एवं मिश्रण का स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रकार से विपणन मिश्र जो है वो अनुकूलतम उत्पादन तथा संतुष्टि, उत्पाद मूल्य, स्थान तथा प्रवर्तन के मिश्रण की एक योजना है। इस प्रकार से विपणन मिश्र क्या है कि उत्पादन जो है वो पर्याप्त रूप से हो, अनुकूल रूप से हो, और जो उपभोक्ता है वो उससे संतुष्ट हो, उसका उत्पाद मूल्य स्थान और प्रवर्तन के मिश्रण की क्या है, एक योजना कहलाती है। तो ये कहलाता है विपणन मिश्र। इसके जो तत्व हैं विपणन मिश्र के तत्व जो हमने बताए थे 4 PS, ये तत्व जो है 4 PS के नाम से जाने जाते। तो नंबर 1 जो है उत्पाद, इसमें वस्तु की उपयोगिता मुख्यतः होती है, अर्थात जो भी उत्पादन किया जाता है उस उत्पादन में उपयोगिता का गुण जो है वो प्रमुख होना चाहिए। जैसे ब्रांड, स्टाइल, रंग, डिजाइन, पैकिंग, गारंटी, वारंटी आदि सम्मिलित होती हैं। उत्पाद निर्माण विशेषज्ञ जो हैं वो प्रबंधकों को परामर्श उपरांत होता है। जो भी उत्पादन होता है वो विशेषज्ञ जो प्रबंधक हैं उनकी सलाह के अनुसार, उनके कहे हुए अनुसार जो है उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अतः आवश्यक है कि उत्पाद जो है ग्राहकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो, अर्थात उत्पाद इस प्रकार का हो कि जिससे कि ग्राहक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सके। फिर मूल्य की बात करें हम, तो इसमें मूल्य जो है उद्देश्य एवं मूल्य नीतियों का समावेश होता है। इसका मूल्य का जो उद्देश्य होता है कि जो मूल्य क्या हो, मूल्य नीति क्या हो, क्यों? क्योंकि मूल्य जो है वस्तु के लिए चुकाई गई क्या है, कीमत है। अब मूल्य में छूट भी सम्मिलित होती है, रियायतें भी दी जाती हैं और उधार आदि को भी सम्मिलित करते हैं। तो मूल्य नीति के अंतर्गत जो है कि मूल्य क्या हो, फिर उस मूल्य में यदि किसी प्रकार के छूट क्या दी जा रही है, कोई रियायत क्या दी जा रही है, नगद की जगह उधार आदि की सुविधा है, तो ये जो है बाजार संवर्धन का महत्वपूर्ण अस्त्र है मूल्य नीति। फिर है वितरण, इसके अंतर्गत जो है वे माध्यम जो वस्तु एवं सेवाओं का अधिकार अंतरण कर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है उत्पादन से वस्तु या सेवा को उपभोक्ता तक पहुंचाने
के बीच के जो कार्य हैं, जैसे परिवहन के माध्यम से संग्रहणकर्ता, स्टॉकिस्ट, बाजार, मार्केट, गोदाम आदि है। तो ये वितरण जो है वो क्या है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, अधिकार अंतरण। फिर संवर्धन या प्रवर्तन, इसमें वे सभी साधन सम्मिलित हैं जो ग्राहक को उत्पाद क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाता है। जैसे विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक प्रेरित होता है, वस्तु को यदि घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से बेचा जाता है तो ग्राहक आकर्षित होता है। विक्रय संवर्धन और कोई प्रयास किए जाते हैं, प्रचार या जनसंपर्क को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो वस्तु को बाजार में बेचने के लिए जो बेहतर से बेहतर प्रयास किए जाते हैं वो संवर्धन या प्रवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो ये विपणन में इसके जो चार तत्व हैं वो 4 P's नाम से जाने जाते हैं, जिसमें उत्पाद, मूल्य, वितरण और संवर्धन या प्रवर्तन। अब यहाँ विपणन मिश्र को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो है, नंबर एक, उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार जो है वस्तु की मांग को उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित करता है, अतः विपणन मिश्र में समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक होता है। वस्तु की डिमांड को जो है उपभोक्ता अपनी आवश्यकता, अपनी रुचि, अपनी इच्छा, बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए फैशन के कारण जो है उस हिसाब से वो वस्तु की डिमांड या सेवा की डिमांड करता है। तो इस प्रकार का जब परिवर्तन होता है तो विपणन मिश्र में भी जो है समय अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। फिर उत्पादन की लागत, ये लागत जो है विपणन मिश्र को प्रभावित करती है। यदि कंपनी पूर्व में श्रम शक्ति, यंत्र व तकनीक से नए उत्पादन को करती है और लागत कम होती है तो वह नए उत्पादन को प्रारंभ कर सकती है। यदि पूर्व निर्धारित अनुसार जो है संसाधनों को लगाकर उसी लागत पर यदि नए उत्पादन को कम करती है और यहाँ पर लागत कम होती है तो वह पुनः और नए उत्पादन को यहाँ प्रारंभ कर सकती है। फिर ट्रेडमार्क या ब्रांड परिवर्तन, ट्रेडमार्क या ब्रांड में परिवर्तन होने पर अनेक बार विपणन मिश्र में परिवर्तन करना होता है। फिर नवीन पैकेजिंग, पैकेजिंग प्रणाली में होने वाले परिवर्तन का विपणन मिश्र पर प्रभाव पड़ता है। फिर कीमत व नीति परिवर्तन, यदि किन्हीं कारणों से प्रतिस्पर्धा के चलते कीमत नीति, तकनीक परिवर्तन और सरकारी कीमत नियंत्रण नीति आदि के लागू होने से विपणन मिश्र में परिवर्तन आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। फिर अन्य सुविधाएं, जैसे कि ग्राहक को उधार सुविधा दी जाए, छूट सुविधा दी जाए, वारंटी नीति में परिवर्तन या अन्य सुविधा दिए जाने से विपणन मिश्र में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये जो तत्व हैं यहाँ पर उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादन की लागत, ट्रेडमार्क, ब्रांड परिवर्तन, नवीन पैकेजिंग आदि जो हैं ये विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विस्तार से, उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट। उत्पाद जो है विपणन मिश्र का ऐसा घटक है जो इसकी आधारशिला है। यदि उत्पाद उपभोक्ता की संतुष्टि पर खरा नहीं उतरता तो विपणन मिश्र के किसी अन्य घटक पर कितना भी व्यय किया जाए वह बाजार में उत्पाद के निष्पादन को नहीं सुधार सकता। उत्पाद जो है वो विपणन मिश्र का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, ये उसकी आधारशिला है। यदि उत्पाद से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो तो ऐसी स्थिति में विपणन मिश्र के विभिन्न घटकों पर, विभिन्न तत्वों पर हम कितना भी व्यय करें, खर्च करें, लेकिन वहाँ पर स्थिति को हम नहीं सुधार सकते। तो यहाँ पर जो उत्पाद सभी प्रकार की भौतिक व अभौतिक संतुष्टियों का एक समूह है। एक उत्पाद से जो दो प्रकार की उपयोगिता प्राप्त होती है, नंबर एक आर्थिक उपयोगिता तथा सहायक उपयोगिता, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक लाभ के रूप में। तो आर्थिक उपयोगिता के रूप में और सामाजिक व मनोवैज्ञानिक लाभ के रूप में। अतः उत्पाद वो है जो आवश्यकता को पूर्ण कर संतुष्टि प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद है जो एक मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करता है। तो उत्पाद मिश्र में जो है वे सभी क्रियाएं जो विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई हैं वस्तु, सेवा या विचार से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि उत्पाद की किस्म तथा गुण, उत्पाद की क्वालिटी किस प्रकार की है, फिर ब्रांड, पैकेज तथा लेबलिंग, ब्रांड किस ब्रांड की उत्पाद है, उसकी पैकेजिंग किस प्रकार की है, लेबलिंग उसमें किस प्रकार की है, ये चीज़ें भी
इसको प्रभावित करते हैं। फिर उत्पाद का डिजाइन, रंग आकार, आकृति और स्टाइल आदि। और फिर चौथा जो है कंपनी की प्रतिष्ठा, सेवाएं आदि। और पांचवा जो है उपयोगकर्ता की सुरक्षा आदि इसमें सम्मिलित है। तो उत्पाद मिश्र में जो है ये सभी क्रियाएं आती हैं जो विक्रय के लिए जुड़ी हुई हैं, जैसे उत्पाद की क्वालिटी, ब्रांड किस नाम का है, पैकेजिंग किस प्रकार की, उसकी लेबलिंग कैसी है, उत्पाद का डिज़ाइन किस प्रकार का, उसका रंग, आकृति, स्टाइल आदि। तो ये जो है उत्पाद क्या है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि कोई एक विशिष्ट पहचान वाली वस्तु जिसके नाम से हम या जिसको हम देखकर उस वस्तु को क्रय करते हैं। तो ब्रांडिंग से जो आशा है प्रदान की गई उन सभी पहचानों से होता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अपनी विशिष्टता को बनाती है। ये जो है उस वस्तु के गुण के आधार पर साख या ख्याति को बना लेती है। जैसे ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, व्यापार संकेत हो गया, पैकेज डिजाइन हो गया, विशिष्ट रंग हो गया, किसी आकर्षक वाक्य के साथ अथवा बिना किसी वाक्य कोई शब्द आदि। तो ये एक ऐसी विशिष्ट पहचान है। तो ये विशिष्ट पहचान के आधार पर जिसमें उपभोक्ता उत्पादन को खरीदने के लिए तत्काल इच्छुक हो जाता है। तो ये ब्रांडिंग, प्रायः ब्रांड जो है निम्न में से एक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जैसे विशिष्ट नाम पर आधारित हो। विशिष्ट नाम पर जैसे लक्स के नाम से क्लियर होता है कि ये साबुन है। फिर रिन, हीरो, पोस्टमैन आदि। तो ये ब्रांड होगा जो विशिष्ट नाम से चलते, जो नाम के अनुसार ही अपनी क्वालिटी को, अपनी गुण को प्रकट कर देते हैं। फिर दूसरा जो होता है विशिष्ट चिन्ह या निशान। ऐसा कोई निशान या कोई विशिष्ट चित्र देखकर जिससे हम समझ जाते हैं कि ये उस वस्तु, किस प्रकार की वस्तु इसमें है। तो जैसे मुर्गा छाप पटाखे हो गए, यहाँ पर हाथी छाप कागज इत्यादि हो गया। फिर उत्पादक के नाम पर, जैसे गोदरेज की अलमारी, गोदरेज के नाम से यदि हम जानते हैं तो गोदरेज की अलमारी, फ्रिज, जो भी उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है गोदरेज के नाम से हम जानते हैं, उनकी वॉशिंग मशीन। फिर बजाज के पंखे हो गए, जेके या ओरिएंट के प्रिंटिंग पेपर इत्यादि हो गए। तो प्राय ब्रांड जो है वो नाम के आधार पर भी हो सकते हैं या कोई विशिष्ट चित्र या चिन्ह या निशान के माध्यम से हो सकते हैं या उत्पादक के नाम पर, कंपनी के नाम पर। तो ये कहलाती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के जो तत्व या उसकी विशेषता या उसके जो गुण है, नंबर एक है ब्रांड का चिन्ह जो है छोटा होना चाहिए, जिसे हम आसानी से बोल सकें और पढ़ सकें, जिसे याद रखा जा सके, जैसे पॉन्ट्स, VIP, रेन, बाम आदि, या तो नाम या चित्र इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए। फिर ब्रांड ऐसा हो जिसमें उत्पाद के लाभ एवं गुणों का पता लगे, वह उत्पाद के कार्यों के अनुरूप होना चाहिए, जैसे लाइफ बाय, बूस्ट, कैडबरी आदि। फिर ब्रांड नाम ऐसा हो कि उसे पैकिंग, लेबलिंग की आवश्यकताओं, विज्ञापन के विभिन्न माध्यम एवं विभिन्न भाषाओं को उससे अपनाया जा सके। फिर ब्रांड का नाम पर्याप्त लोच वाला हो, जिससे कि उत्पादक श्रृंखला में जिन नए उत्पादों को जोड़ा जाए उसके लिए भी इसे उपयोग में लाया जा सके, जैसे मैगी, कोलगेट आदि। फिर इसका पंजीयन कराया जा सके ताकि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, व चयन किया गया नाम टिकाऊ व सदाबहार होना चाहिए। तो ये ब्रांडिंग की जो विशेषता या इसके गुण हैं। ब्रांडिंग के महत्व, लाभ तथा कार्य हम देखेंगे। क्रय में सुविधा। ब्रांडिंग वस्तु को खरीदते समय जो उपभोक्ता वस्तु की किस्म, आकार, गुण आदि के बारे में आश्वस्त रहता है, उसको खरीदने में सुविधा होती है। ब्रांड को देखकर ही सीधे वस्तु को खरीदा जा सकता है। फिर उत्पाद भिन्नता। ब्रांडिंग के माध्यम से जो है उत्पादक अपनी उत्पादित वस्तु को अन्य उत्पादक से क्या रखता है, भिन्न रखता है। और ब्रांडिंग के आधार पर जो है वो अपने मूल्य का भी निर्धारण करता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद, विभिन्न उत्पादों के बीच में आपसी प्रतियोगिता से क्या होता, बच जाता है। फिर ब्रांड प्रतिष्ठा। ब्रांडिंग वस्तु की जो है अपनी एक अलग प्रतिष्ठा होती है। फिर विज्ञापन व प्रचार। ब्रांड के माध्यम से स्वयं जो है कंपनी अपने उत्पाद का प्रचार ब्रांड के माध्यम से ही हो जाता है। ब्रांड स्वयं कुछ समय उपरांत विज्ञापन का एक माध्यम बन जाता है, जिससे उसे बाजार संवर्धन में मदद मिलती है।
वास्तव में जो है ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग दोनों एक साथ प्रचार का कार्य करते हैं। फिर मूल्य में कमी, ब्रांडिंग वस्तु के विक्रय में विक्रेताओं को कम कमीशन देना पड़ता है और उनका मूल्य जो है निर्धारित होता है, ब्रांड वस्तुओं का मूल्य जो है पूर्ण रूप से निर्धारित होता है, तो यहाँ पर जो है विक्रेताओं को निर्धारित कमीशन प्राप्त होता है, अतः कम मूल्य निर्धारित करने में मदद मिलती है। फिर पहचान एवं विश्वसनीयता, ब्रांड के माध्यम से जो है आश्वस्त रहता है क्रेता, एक पहचान बनती है, क्रेता ब्रांड से विश्वस्त रहता है, सीधा जो है ब्रांड नेम से जो है वो वस्तु की उपयोगिता को जानता है, समझता है, उसको सीधे वो ब्रांड के आधार पर खरीदता है। तो ये ब्रांडिंग के जो महत्व, उसके लाभ, उसके कार्य हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न विपणन मिश्र से आशय उसकी परिभाषा दीजिए, विपणन मिश्र के प्रमुख तत्वों को समझाइए, फिर विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक और बिंदुओं को समझाइए, उत्पाद से आशय उत्पाद के प्रमुख तत्वों को समझाइए, ब्रांडिंग अन्य उत्पाद से अपने आप को किस बिंदुओं के आधार पर भिन्न रखती है समझाइए, एक ब्रांडिंग वस्तु में किन गुणों का समावेश होना चाहिए और ब्रांडिंग के लाभ या कार्यों को समझाइए।